हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपुत्र, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप यहां पर इंस्टाग्राम को यूज करते हैं और आप स्टोरी लगाते हैं, तो इंस्टाग्राम स्टोरी को अगर आप कुछ लोगों से हाइड करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको ओपन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप हाइड करेंगे। तो आपको सबसे पहले आपको सबसे नीचे यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा नीचे, तो राइट में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक छोटा सा अकाउंट है ये मेरा, इसमें मैंने यहाँ पर दो लोगों को फॉलो किया हुआ है, दो लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है। ठीक है, ये केवल एक डेमो अकाउंट है, चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। फिर ऊपर आपको जो थ्री लाइंस दिख रही होंगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे दोस्तों तो दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाता है हाइड स्टोरी एंड लाइव। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका दिया हुआ हाइड स्टोरी एंड लाइव फ्रॉम, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो लोग हैं। अगर आपने बहुत सारे लोगों को फॉलो किया होता तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाते। आप चाहते हैं कि वो लोग आपका जो स्टोरी है वो ना देख पाएँ तो आप उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो उनसे क्या होगा हाइड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे तो उसको आप देख सकते हैं कि नीड ए ब्रेक फ्रॉम पूज ये वाला जो अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, यू कैन हाइड दियर मैसेज एंड कमेंट विदाउट देम नोइंग। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि अब एक लोगों से हमारा जो स्टोरी है वो हाइड हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं दूसरा आपको अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला अकाउंट ओपन करा के दिखा देता हूं। ठीक है, ये मेरा एक बिजनेस अकाउंट है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करूँगा थ्री लाइंस पे, और यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाता है हाइड स्टोरी एंड लाइव, इस पर अब मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इतने लोगों ने मेरे को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं स्टोरी लगाता हूं तो इन लोगों को मेरी जो स्टोरी है वो इन लोगों को पहुंच जाएगी, इन लोगों को दिख जाएगी। मैं इनसे हाइड करना चाहता हूं तो उन लोग उतने लोगों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर दोस्तों बैक हो जाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मैं बैक हो चुका हूं और यहां पर देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 5 लिख के आ चुका है, मतलब कि जो मेरा स्टोरी है वो 5 लोगों से हाइड हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप यहां पर कोई भी स्टोरी लगाएंगे तो उन लोगों को स्टोरी आपका नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं अपनी स्टोरी फ्रॉम इंस्टाग्राम। ठीक है, और कुछ लोगों से हाइड करना चाहते हैं उतने लोगों को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उतने लोगों को आपका जो स्टोरी है वो नहीं दिखेगा। सो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर अपना स्टोरी है उसको हाइड कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।